षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी, साजिश। साजिश, षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी। मैंने दोहराया इसलिए क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतिहास गवाह है, इतिहास साक्षी है कि हर दंगे, हर सामूहिक हिंसा, हर रॉयल्स के पीछे आपको कहीं ना कहीं उसकी तह में साजिश मिलेगी। उत्तर प्रदेश का इतिहास हो या 1993 का हिंदुस्तान का इतिहास हो, और या 70 साल पीछे चले जाएं तो 1947 का इतिहास उठा के देखें। दंगे हुए और हर दंगे के पीछे साजिश की एक कड़ी, एक तह निकली। दिल्ली में क्या साजिश रची गई थी या दंगे स्पॉन्टेनियस थे? एक एक कर हर मोहल्ले में, हर गली में, दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक एक करके जो लाशें निकल रही हैं अस्पतालों से या वहाँ के नर्सिंग होम से, और ये जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है हर 12 घंटे पर, और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये आंकड़ा मुझे ऐसा लग रहा है 40 पार होने वाला है। घायलों की संख्या का कोई अंदाज़ा नहीं, ना पुलिस को है, ना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को है, ना गृह मंत्रालय को है, ना मीडिया को है। 1000 भी हो सकते हैं घायल, 800 भी हो सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात का कि क्या साजिश थी, और आज हम इस साजिश की तह में जाएंगे क्योंकि हमारे साथ हमारे चीफ रिपोर्टर संजीव कुमार सिंह चौहान है। 28 साल का तजुर्बा है, और मैंने और संजीव ने पिछले 3-4 दिनों में ऐसी कोई गली नहीं, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं, चाहे वो चांगबाग हो, चाहे वो मुस्तफाबाद हो, चाहे वो न्यू मुस्तफाबाद हो, चाहे वो भजनपुरा हो, आप मोहल्लों के नाम लेते जाइए और संजीव चौहान बताते जाएंगे आपको कहाँ क्या हुआ। हमने आपको एक वीडियो दिखाया था, और इत्तफाक से वो वीडियो INS, जो देश की सबसे बड़ी स्वतंत्र एजेंसी है, समाचार एजेंसी है, 200 से ज़्यादा रिपोर्टर हैं, और सबसे ज़्यादा जिसके रिपोर्टर इस वक्त रॉयट अफेक्टेड एरिया में काम कर रहे हैं, वो वीडियो दुर्भाग्यवश कह लीजिए हमारे ही पास आया था। वो वीडियो एक बार हम फिर दिखाते हैं आपको पूरे एम्बियंस, पूरे साउंड ट्रैक के साथ, क्योंकि इस वीडियो में ही साजिश का एक बड़ा हिस्सा छुपा हुआ है। वेलकम बैक। आपने वीडियो देखा होगा, हम दिखा चुके हैं और ये वीडियो वायरल भी अब हो रहा है। इस वीडियो में जो आवाज़ें आ रही हैं गोलियों की, बम बारूद की, पेट्रोल मिर्ची बॉम्ब की, उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश की बात हो रही है, और दिल्ली पुलिस ने एक SIT की जांच बैठा दी है। ये जो इमारत है, ये जो ऊंची इमारत है, इसका नाम है टाइगर हिल, कारगिल वाला टाइगर, उसी पर इस इमारत की नाम रखी गई है। लेकिन इसमें जो साजिश रची गई है उसके पीछे जो नाम आ रहा है वह है आम आदमी पार्टी के काउंसिलर ताहिर हुसैन का। संजीव, इससे पहले कि मैं कुछ और आपसे सवाल करूं, ताहिर हुसैन से आपकी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि साहब हम तो खुद रेस्क्यू किए गए, हम तो खुद फंस गए थे, हम फंस गए थे, पत्नी फंस गई थी, फिर DCP साहब आए, उन्होंने हमें बचाया, तो हम साजिश कहां से कर सकते हैं? जी दीपक, ताहिर अपनी जगह सही हो सकते हैं, क्योंकि जब तक आरोप से दन्हा हो जाएं किसी को मुलजिम को मुजरिम करार देना मुश्किल है, नहीं करना चाहिए। लेकिन ताहिर इस बात का जवाब क्यों नहीं दे पाते हैं कि जो उनका आशियाना घर है जिसमें कि पेट्रोल बम मिले, ईंट पत्थर इतने मिले दीपक कि शायद 2-4 गलियां उनसे पाट दी जाती। मेरे और आपके घर में छत पे इतना असलहा जानलेवा, इतने रोड़े पत्थर हो और मुझे पता ना हो, इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट में संजीव लिखा हुआ है कि 150 से ज्यादा वेपन्स वहां पर होने की उम्मीद है, 150 से ज्यादा हथियार, यानी पिस्तौल, देसी अवैध हथियार, जी अवैध हथियार, और जो वहां पर
खोखे जो है, जो एम्प्टी कार्ट्रिजेस वहां से बरामद हुए हैं, मिले हैं मौके से, बटोरे गए हैं, अलग अलग बोर की हैं, 32 बोर भी है, अलग अलग बोर है। कुल मिलाकर जो दर्शक वेपनरी के बारे में कम जानते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि हर तरह का घातक हथियार, हर तरह का खतरनाक हथियार वहाँ पर मौजूद था। संजीव, क्या इलेक्शन में जब घरों की तलाशी ली जाती है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, हथियार जमा कराए जाते हैं, उसके बावजूद ये हथियार राजधानी में इकट्ठे हो रहे हैं? और दीपक, ये तो एक छोटी सी गली मोहल्ले या जिले की बात है, पूरी दिल्ली में अगर इस तरीके के हालात कहीं ईश्वर ना करे कभी पैदा हो तो कितना असला भरा है दिल्ली में, जबकि इलेक्शन करा के हटी ये सरकार और पुलिस। पुलिस तो घर घर छानबीन करके बटोर के ला रही थी, कभी 200 लोग पकड़े जा रहे हैं अवैध हथियारों के साथ उन, लेकिन दीपक इस गली का जो ताहिर वाली गली की बात है, इसमें झाड़ू लगा के अवैध हथियारों से चलाई गई गोलियों के खोखे कारतूस वो बटोरे गए हैं, गिने नहीं गए हैं। ताहिर के घर के बगल में नाला है और उस नाले से इंटेलिजेंस ब्यूरो के कार्मिक अंकित शर्मा का शव निकाला गया और ये भी कहा जा रहा है कि उस नाले में कुछ और शव भी फेंके गए। हालांकि अब तक बरामदगी नहीं हो सकी है तो हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन दीपक जांच वहां लोग लगे हुए हैं तलाश में। ताहिर हुसैन का नाम आ रहा है, ये उनके पिता ने साफ साफ कहा है दीपक, ओपनली आरोप लगाया है कि ताहिर हुसैन और उनके साथियों ने, उनके साथ जो भीड़ थी उसने अंकित शर्मा को अंदर खींच लिया और उसके बाद अंकित की अगले दिन लाश मिली। लेकिन क्योंकि ताहिर नहीं है हमारे साथ इस वक्त, लेकिन उनका बचाव में मैं शायद, हमारे एक रिपोर्टर है आनंद सिंह और आनंद सिंह ने शायद उनसे बात करी या आनंद सिंह ने हमें जो जानकारी दी है, ताहिर का कहना है कि वो खुद गमजता हैं क्योंकि उनके पड़ोसी अंकित शर्मा जो IB में काम करते थे उनकी हत्या हुई। उनका कहना है कि मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं इस वक्त निरीह हूँ, निसहाय हूँ, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन जब भी पुलिस जांच करेगी मैं सामने आऊँगा और मैं एक एक करके मुतमईन करूँगा पुलिस को कि इस हत्या में अंकित शर्मा जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के कार्मिक थे मेरा कोई हाथ नहीं। मैं आप पार्षद ताहिर हुसैन, आप सबको बताना चाहता हूँ, जो भी खबर मेरे बारे में चलाई जा रही है, दिखाई जा रही है, वो सरासर गलत है। ये गंदी राजनीति के चलते मुझे बदनाम किया जा रहा है, मुझे घसीटा जा रहा है। जब से कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण दिया है तब से ही दिल्ली के हालात ख़राब हैं, जहाँ पे जगह जगह पत्थरबाजी, ये तमाम चीज़ें की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। वैसा ही परसों हमारे यहाँ भी हुआ, जिसको देखते हुए हमने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। एक बहुत सारी भीड़ मेरे जो ऑफिस का गेट है उसे तोड़ के जबरदस्ती अंदर छत पे चढ़ गई थी, जिसके लिए लगातार मैंने पुलिस से मदद मांगी और कई घंटों के बाद यहाँ पर पुलिस फोर्स पहुँची। संजीव, एक सवाल और, सिर्फ बात ताहिर हुसैन की ही नहीं है, बात कपिल मिश्रा जो भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे विधानसभा चुनाव में, उनके कुछ ट्वीट्स भी हैं और उन्होंने ट्वीट में कहा है कि डंके की चोट पर मैं कहना चाहता हूं कि अगर ताहिर हुसैन के कॉल डिटेल्स निकाले जाएं तो संजय सिंह जो राज्यसभा में सांसद हैं आम आदमी पार्टी के और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ये भी कहीं ना कहीं दंगों की साजिश में इनके तार जुड़े हैं। लेकिन जो मुस्तफ़ाबाद है, जो चांद बाग है जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर ये कहा जा रहा है और अब दबी जुबान में नहीं कहा जा रहा, खुलकर कहा जा रहा है कि इसके पीछे कपिल मिश्रा का हाथ, दीपक, दंगे भड़काने में जी, अभी हम लोग सुनेंगे भी लोगों ने कराने नहीं में, भड़काने में जी। अगर जो लोगों की बातचीत आज हम लोग गए में भी कहा गया, पुराने मुस्तफ़ाबाद की जिन गलियों में पुलिस जाने का दम नहीं रखती थी वहां आज INS पहुंचा, हम लोग गए उस अस्पताल तक पहुंच गए, वहां लोगों ने जो कुछ बताया है उसके लिए तो दीपक सीधे तौर पे कपिल मिश्रा का जो चैलेंजिंग भाषण है कि ऐसा हुआ तो ऐसा कर देंगे, उसके जवाब में ये दंगा शुरू हुआ है, या फसाद, मारपीट, हिंसा, आगजनी, जिसने उत्तर पूर्वी जिले को तबाह कर दिया है। एक के बाद एक लाशें धीरे धीरे अस्पतालों से निकलती आ रही हैं। कपिल मिश्रा कहीं ना कहीं कटघरे में तो हैं दीपक। नहीं, लेकिन कपिल मिश्रा के जो पक्षधर हैं उनका ये कहना है, और उनके एक मित्र से हमारी बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि जानबूझ के कपिल मिश्रा का नाम उछाला जा रहा है और एक अलग सोच रखने वाले लोग या जुडिशरी उनके नाम को अदालत में उछाल रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपको? दीपक बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हाथ कंगन को RC किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, ये बात तो कपिल मिश्रा मानते हैं कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, दंगा
भड़काने में हाथ रहा या नहीं रहा ये जांच का विषय है, एसआईटी करेगी, कानून बताएगा। लेकिन जो सत्य है सामने, जमाने ने देखा है, वीडियो वायरल हुआ है, उसको कैसे कपिल मिश्रा डिनाई करेंगे कि वो खुद तय करें इस बात को कि वो आरोपी हैं या नहीं, ईमानदारी के साथ। बहरहाल साजिश जब रची जाती है, मुझे याद आ रहा है कि 1993 में जब मुंबई में बम धमाके हुए थे तो एक फिएट कार हथियारों से लदी दाऊद इब्राहिम गैंग की तरफ से अबू सलीम ने एक वो गाड़ी पाली हिल में जो है वो संजय दत्त के मदद से उनके घर पे पार्क कराई, जिसमें हथियार थे, गोला बारूद था। और ऐसा कहा जाता है कि अनीस इब्राहिम जो दाऊद इब्राहिम का भाई है उसने फ़ोन करके उस गाड़ी को वहाँ खड़ा कराया गया था। तो यहाँ गाड़ी तो नहीं मिली, यहाँ गाड़ी नहीं मिली और ना ही उस तरह के हथियार मिले, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आज जो घर सील हुआ है, आज शाम को घर सील किया गया ताहिर हुसैन का, वहाँ पर बहुत से पेट्रोल बम्स, वहाँ पर कुछ एम्प्टी कार्ट्रिजेस असलहों की, और वहाँ पर कुछ और भी इस तरह के हथियारों के होने के सबूत मिले। इस पर जो एसआईटी की जांच होने वाली है या इस सिलसिले में जो डीसीपी से बात हुई, संजीव क्या बता रहे थे दीपक? सबसे पहले एसआईटी अब जो शुरू कर रही है आज रात से ही, वो सबसे पहले एसआईटी को ताहिर का ही घर टारगेट करना है, उसके बाद कपिल मिश्रा से पूछताछ, और फिर हवलदार रतनलाल जो दिल्ली पुलिस के थे, एसीपी गोकुलपुरी सब डिवीजन के लीडर, उनकी मौत, और आईबी के जो सहायक सुरक्षाकर्मी रहे अंकित शर्मा, ये 5-6 चीजें हैं जिन पे एसआईटी आज रात से ही जूझना शुरू कर रही है। बहरहाल वक्त एक ब्रेक का है, हमें इशारा हो रहा है हमें एक ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका क्या अंदाज़ा है, अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं बहुत ही गंभीरता के साथ, क्योंकि जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं, वो बहुत जेन्यून हम उठा रहे हैं और फैक्ट्स और फिगर्स के साथ उठा रहे हैं, आपको क्या लगता है कितने लोग घायल होंगे, कितने लोग अब नहीं रहे इस दंगे की वजह से, उस पर हम आपको बताएंगे। और आपको एक ऐसे अस्पताल में ले चलेंगे जो सरकारी अस्पताल नहीं है, लेकिन वहाँ पर कुछ डॉक्टर हैं जो पिछले 4 दिन से सोए नहीं, और वहाँ पर जो मरीजों की संख्या, जिन्हें बुलेट इंजरीज, जिन्हें गोली से चोट लगी या गंभीर रूप से घायल हुए, उनकी जब आप संख्या जानेंगे तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी, और तब आपको अंदाज़ा होगा कि दिल्ली का ये दंगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका स्केल क्या है, उसका पैमाना क्या है। और लेकिन संजीव, एक चीज़ मैं जाने से पहले, ब्रेक में जाने से पहले कहना चाहूँगा कि एक खबर ये भी आ रही है कि बड़ी तादाद में लोग माइग्रेट कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, ये क्या, ये कितना सच है दीपक? ये जो ओल्ड मुस्तफाबाद, पुराना मुस्तफाबाद जो है, जो दयालपुर थाना लगता है, जहाँ हवलदार दिल्ली पुलिस के रतनलाल जिस इलाके मारे गए, उसके बराबर में शिव विहार है, दोनों में आबादी मिली जुली है, लेकिन ओल्ड मुस्तफाबाद, डिटेल आपके पास है? जी डिटेल है, तो डिटेल है, ब्रेक तो फिर ऐसा करते हैं, अगर आपके पास डिटेल है तो ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के तुरंत बाद हम यूं गए यूं आए तीर की तरह, छोटा सा ब्रेक और फिर नए खुलासे के साथ हम वापस होते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। और दिल्ली के पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में, न्यू मुस्तफाबाद, ये वो जगह है, ये वो पॉकेट है जहाँ सबसे ज़्यादा हिंसा हुई, और इसी के बगल में खजूरी खास है, सीलमपुर है, मौजपुर है, शिव विहार, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का डिस्ट्रिक्ट है। वहीं पर कुछ नर्सिंग होम भी हैं। ज़्यादातर जो खबरें आ रही हैं, जो बड़े चैनल आपको दिखा रहे हैं, जो बड़े अखबार में आप देख रहे हैं, कि जीटीबी हॉस्पिटल है, बड़ा सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर 200 से ज़्यादा घायल हैं और अब तक तकरीबन 35 लोगों की मौत हो चुकी है, संख्या बढ़ती जा रही है। और जहाँ तक पुलिस वालों की बात है तो 30-40 पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उनको पड़पड़गंज के मैक्स हॉस्पिटल में या कुछ और हॉस्पिटल्स में रखा गया है। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये तो सरकारी अस्पताल के आंकड़े हैं कि 300 घायल या 30 घायल या इतने मर गए। जो मुस्तफाबाद जैसी कंजस्टेड लोकेलिटीज़ जहाँ एक कार का जाना मुश्किल है, एक मारुति कार भी नहीं जा सकती यहाँ पर, सिर्फ आप स्कूटर से जा सकते हैं या साइकिल से जा सकते हैं, उन तंग गलियों में, उन संकरी गलियों में जो नर्सिंग होम है, वहाँ पर आपको जान के ताज्जुब होगा
कि पूरी की पूरे उनके बिस्तर, उनकी फर्श सब भर गया मरीजों से। और पिछले 2 दिन में संख्या थी मरीजों की 400 से 600। ये सिर्फ एक गली का, एक इलाके का मैं हाल आपको बता रहा हूँ। और मैं नहीं कह रहा, जो डॉक्टर साहब हैं, अस्पताल का नाम है अल हिंद, और उनके जो डॉक्टर हैं, उनके जो मालिक हैं संजीव चौहान, ने उनसे बात करी। आप खुद डॉक्टर साहब को सुनिए और मरीजों की संख्या जो इस दंगे में घायल हुए हैं बुरी तरह, जिनको बुलेट इंजरीज लगी हैं, छर्रे लगे हैं, आप सुनिए कि संख्या कितनी थी। इस समय हमें ओल्ड मुस्तफाबाद में, जो इस हिंसा में बुरी तरीके से जला था, इस समय अल हिंद अस्पताल के मालिक और डॉक्टर जो घायलों को इलाज दे रहे हैं लगातार, उनकी जिंदगियां बचाने की जंग लड़ रहे हैं। हम बात करते हैं डॉक्टर अनवर साहब से। अनवर साहब, किस तरीके की इंजरीज आ रही हैं? अब तो कल नाइट से कम हो गई, आज नाइट नहीं, हम आपसे ओवरऑल जानना चाहेंगे कल से आपने किस तरीके के मरीजों को टैकल किया। जैसे मोस्टली जो आए हमारे पास, 75% बुलेट्स छर्रे लगे हुए थे, बुलेट्स लगे हुए थे, चंद स्टैब यूजली थे, चंद जो है स्टोन पत्थर मारे गए थे। ज़्यादातर उनमें उम्र क्या रही जो आपके पास मरीज आए? हर उम्र के नौजवान। अब तक आप कितने मरीजों का इलाज कर चुके हो? एक्चुअली जो ये कंडीशंस जो थे वो डिजास्टर के थे, हमें होश ही नहीं रहा है। मैं पूरी डेज, पूरी नाइट्स, फिर नेक्स्ट डेज, फिर नेक्स्ट नाइट, फिर अब जाके इस नाइट में सो पाया। उससे पहले हमें आपके अस्पताल में इस वक्त इस फसाद से इंजर्ड कितने मरीज इलाज करा रहे हैं? ऊपर भी पड़े हुए हैं जो रिस्क्यू करके लाए गए हैं, ऊपर फर्श पे ही डाला गया है ऊपर। तो आपने सुना डॉक्टर साहब कह रहे हैं 400 से 600, और वो बता रहे हैं कि उनके जितने भी माले हैं, जितने भी तल हैं, सब भर गए हैं। और पिछले 3 दिन में, यानी ये क्रम रविवार को भी वहाँ पर घायल आते रहे, इंजर्ड लोग आते रहे, सोमवार को भी आते रहे, मंगलवार को भी आते रहे। संजीव, क्या अल हिंद सिर्फ एक अस्पताल, एक नर्सिंग होम है, या आपको ऐसा लगता है कि सीलमपुर से लेके मौजपुर तक? दीपक जी, यूपी से जुड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ा जिला है दिल्ली का, उत्तर पूर्वी, जहाँ हिंसा भड़की है। अल हिंद तो एक वो अस्पताल है जो हम गलियों में गए, ढूंढते ढूंढते अंदर पहुंच गए। मैं उम्मीद ही नहीं थी कि ये अस्पताल होगा इतना बड़ा। यहाँ 3 मंजिल का अस्पताल और सिर्फ हिंसा में हुए घायल हुए लोगों से भरा है। आप छोड़िए बिस्तर की बात, छोड़िए, जमीनों पर पड़े देखे हैं हमने, इलाज हो रहा, पट्टियाँ बंध रही हैं। अल हिंद अस्पताल के जैसे कई और अस्पताल गली कूचों में हैं जहाँ घायल इलाज करा रहे हैं, और उनकी गिनती दीपक कहीं नहीं है। ये संख्या, ये घायलों का आंकड़ा, आपको मरने लगता है कि ये जो मरने वाले हैं उनकी संख्या भी और बढ़ेगी? बढ़ सकती है दीपक, ये रेशो बढ़ सकता है। जो घायलों की संख्या आ रही है उस हिसाब से रोज 3-4 का आंकड़ा डेथ का आ रहा है। और इसके अलावा बिसाइड्स दिस, क्या जो लोग मिसिंग हैं, जो गुम हो गए, जो घर नहीं पहुंचे, उसमें कुछ के नाम तो आ रहे हैं कि एक लड़की थी जो इम्तिहान देने गई थी, घर नहीं लौटी, इसी तरह के कुछ और भी मामले सामने आए हैं जो घर नहीं लौटे, या कहीं 2 या 3 लोग रहते थे कि घर में उनके यहाँ ताला लगा हुआ है, और मिसिंग फैमिली जिसे आप कह सकते हैं, और घर पे ताला लगा है, ऐसे लोग जिनके बारे में पड़ोसी भी नहीं बता पा रहे क्योंकि बहुत से वहाँ किराएदार बाहर की पॉपुलेशन थी। तो ये मिसिंग पर्सन है, इनका क्या रहस्य है? दीपक, जब फसाद हुआ शुरू, तो कोई बाजार गया था, कोई दूध लेने में था, कोई बच्चा स्कूल से आ रहा था, कोई दफ्तर से लौट रहा था, कोई बाहर निकला हुआ था, जो जहाँ था, जब उसने ईंट पत्थर गोली चलते देखे, आग लगते देखी, पेट्रोल पंप जलते देखा, तो जान बचाने के लिए उसे जहाँ जो नज़र आया वहाँ चला गया है। दीपक, घबराए हुए हैं लोग, आतंकित हैं, अभी भी अपने घरों में वापसी करने की स्थिति में नहीं हैं। क्या हम ये भी माने कि कुछ ऐसे भी लोग गुम हो सकते हैं जिस तरह से अंकित शर्मा गुम थे? अंकित शर्मा, दीपक, अंकित शर्मा को गुम नहीं कह सकते। क्यों? अंकित शर्मा घर से बाहर जो भीड़ थी, नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या जो मिसिंग पर्सन हैं उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आप कभी घर न? हाँ, ये दीपक आपका सवाल है कि कुछ मिसिंग लोग पता लगा वो अस्पतालों में या तो इलाज करा रहे हैं, उनके अपने ढूंढ नहीं पा रहे हैं, वो अपनों तक नहीं पहुंच पा रहे, इस हाल में नहीं, गंभीर हैं, और ईश्वर ना करे कुछ हो सकता है,
मौत के मुंह में समा चुके हों, पता ही ना लगा और उनका अभी तक पता ना लगे, दो चार दिन में वो सब आगे निकल के आए। एक बात और आज हम आपसे करेंगे कि जिस जिन जगहों पर जो राइट इफेक्टेड एरिया है, घनी आबादी है वहाँ पर, और वहाँ से अब डर के मारे, दहशत की वजह से, फियर साइकोसिस की वजह से परिवार वहाँ से बोरिया बिस्तरा लेकर, सामान लेकर, ताला लगाकर घर छोड़ के भाग रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही थी। तो हम और संजीव आज हम लोगों ने तय किया कि हम उन गलियों में जाएंगे, पुलिस से परमिशन लेंगे, और हम धन्यवाद देते हैं वहाँ के DCP राजन भगत को, जिन्हें हमें आने दिया अंदर उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में। और फिर हम अंदर गए और हम वहाँ लोगों से मिले, उनकी बातें भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले मौके से संजीव की ये पीस टू कैमरा देखिए। इस समय हमें ओल्ड मुस्तफाबाद में, जो दो दिन पहले तक धू धू कर आग में जला, कितने लोग मारे गए और कितने गायब हैं, ये सब तफ्तीश का विषय है। लेकिन कुल मिला के यहाँ कोहराम मचा हुआ था। ज़मीन पे मौजूद एक कालिख बताती है कि यहाँ कुछ न कुछ बुरा जरूर हुआ था, मगर निशान आज भी मौजूद हैं। यहाँ से करीब 20 कदम पीछे जहाँ ये लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा दीपक जी को किस तरीके से पुलिस वाले हैं, फोर्स है, सब कुछ है, लेकिन भय का आलम है। आलम इस कदर छाया हुआ है भय का कि यहाँ जो लोग रोजी रोटी की तलाश में देश के दूर दराज हिस्सों से आए थे, वो छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भय है कि अब फसाद तो शांत हो गया, हिंसा रुक गई, लेकिन जब तफ्तीश जांच पड़ताल शुरू होगी तो कहीं उनको भी अब टॉर्चर यानी कि कानून के दायरे में लाने के लिए परेशान ना किया जाए। और वो है सामने शिवपुरी, जो एक गढ़ रहा इस हिंसा का। तो संजीव मौके से बता रहे हैं, और इसको मैंने ही शूट किया है, कि वहाँ पर ताले लगे हुए, हमने देखा कि जो ऊपर दुकानें हैं, नीचे दुकानें बंद हैं, ऊपर जो घर है वहाँ भी ताले लगे हैं। कुछ जगह हमने नॉक करने की कोशिश की कि शायद बाहर से ही कुंडा लगा है, कोई आवाज़ नहीं आई। पड़ोसियों से पूछा, उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिन से इस परिवार के बारे में नहीं पता। बहुत से ऐसे हमें परिवार मिले जिनको पड़ोसियों के बारे में नहीं पता था, और जब हमने प्रोफाइल जानी तो ज़्यादातर जो वहाँ पर लोग हैं वो छोटी छोटी नौकरियाँ करते हैं, कोई बुलंदशहर का है, कोई मुजफ्फरनगर का है, कोई मेरठ का है, जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ ग्रेटर नोएडा के भी थे और कुछ और दूर दराज के क्षेत्र के थे। ये सारे लोग अब वो जगह छोड़ के भाग रहे हैं। संजीव, कितनी इनकी संख्या हो सकती है, और क्या ये पलायन, इसको रोका जा सकता है या ये जारी रहेगा? दीपक, ये पलायन फिलहाल मुश्किल है रोक पाना, क्योंकि लोग दहशत में हैं। सबको इस टाइम 2 जून की रोटी की नहीं पड़ी है, जिंदगी बचाने की लाले पड़े हुए हैं। आइए पहले लोगों की बात सुन लेते हैं। यहाँ इतना हो रहा, क्या स्थिति है? हम इतने परेशान हैं यहाँ के, एकदम चढ़ाई हुई है उधर से, सिर्फ बिहाई तरफ से। और यहाँ जो है वो जानवर वाली बात हो रही है, एक जगह रहते हैं हम, एक दूसरे से हमारा व्यवहार है, बैठना उठना है, यहीं पर हम रहते हैं, मगर वो जो है इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ बात है। ये हमारे सामने, ये हिंदू भाई हैं हमारे पड़ोसी, हम इनकी पूरी हेल्प कर रहे हैं, कोई जैसे छुछोरे कर रहे नहीं, हम इनकी पूरी देखभाल कर रहे हैं। ये स्कूल है सामने, ये है, हम इसको होने न दिया, तो ये इंसान दिया। ये गली में भी हमारे यहाँ हिंदू भाई रह रहे हैं, हमारे एक पड़ोसी हैं, हम इंसान हैं, वो भी इंसान है, क्या कसूर है अगर इनके साथ हम जुल्म कर रहे हैं? इस पूरे फसाद की जड़ क्या है? ये जड़ जो है राजनीति में लेते हैं, और हरी मिश्रा जी, ये राजनीति में जो कपिल मिश्रा जी हैं, जो उन्होंने वहाँ जो है धरने पर बैठे थे वहाँ लोग, तो उन्होंने कहा है कि हम इनके लिए जो है ये कर देंगे, ये से ये कर देंगे सब, तो ये फसाद तो वहाँ से शुरू हुआ है। तो जनता भी त्रस्त है, परेशान है। एक चीज़ साफ है कि लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डर बैठ गया है। इसकी एक वजह यह है कि अभी तक दंगों में पथराव होता था, लाठी चलती थी, कहीं ना कहीं तलवार चल जाती थी, लेकिन ये पहला हाल फिलहाल में दंगा है दिल्ली में, जहां दोनों तरफ से ज़बरदस्त क्रॉस फायरिंग हुई है। और वेपन पे बार बार संजीव चौहान ने कहा है कि ये एक बड़ा सवाल है दिल्ली की सुरक्षा के लिए, कि इतनी भारी तादाद में वेपन्स, हथियार कहाँ से आ रहे थे और इतना खुलेआम क्यों चलाए गए। अब हम बात करेंगे अपने इस सेक्शन में, जो सबसे अहम सेक्शन है, कि आखिर सरकार अब उसका रुख क्या होगा। अमित शाह जो दंगों के बीच में अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में देखे गए थे, वो बहुत गंभीर हैं इस वक्त। आज वीर सावरकर को लेकर एक बहुत बड़ा फंक्शन था दिल्ली में, मैं भी उस फंक्शन में गया था ये देखने के लिए कि अमित शाह क्या बोलते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है। वहाँ नितिन गडकरी तो आए,
वहाँ डॉक्टर हर्षवर्धन तो आए, लेकिन अमित शाह जी वहाँ पर नहीं पहुँचे। और बाद में हमें ये पता लगा कि अमित शाह दंगों की मीटिंग्स में मशरूफ़ थे। किस तरह से स्ट्रेटजी और बननी चाहिए, NSA से क्या बातचीत होनी चाहिए, अजीत डोभाल से क्या बातचीत होनी चाहिए, नया पुलिस कमिश्नर कौन होगा, जिसको, क्योंकि जो पुलिस कमिश्नर अमूल पटनायक हैं वो सीन से पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। और कल ही आपको संजीव चौहान ने बताया था कि अमूल पटनायक की नालायकी, उनकी ढिलाई, उनकी कोताही, किसी न किसी तरह से वो दिल्ली को ले डूबी। दीपक, लग रहा था कि जिस तरीके से एक महीने का एक्सटेंशन लेके ये खुश हो रहे थे अमूल पटनायक, वो उनके लिए बवाले जान बन गया। और जाने से ठीक 4-5 दिन पहले उत्तर पूर्वी जिला जो है दिल्ली का, वो जल उठा, बहुत मुसीबत में पड़ गए। जाते जाते बड़े बेआबरू होके निकल रहे हैं वो। संजीव, ये तो चलिए ठीक है, अमूल पटनायक जी अपने सेवा विस्तार में, जब अपने एक्सटेंशन में उनको ये दाग मिलना था, लोगों को मेडल मिलता है, लोगों को पुरस्कार मिलता है, लेकिन उन्हें दंगे का दाग अपने दामन पे लेना पड़ा है। खैर, ये उनका करियर का जो अंतिम पड़ाव है, उन्होंने सोचा नहीं होगा अमूल पटनायक ने कि एक ऐसे दिन देखने को मिलेंगे। तो इस चैप्टर को हम बंद करें अमूल पटनायक के। लेकिन जो नए पुलिस कमिश्नर आपको लग रहे हैं, आपने एक स्टोरी करी है कि वो एस एन श्रीवास्तव, सच्चिदानंद श्रीवास्तव, उनके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या एस एन श्रीवास्तव अमूल पटनायक से अमित शाह की एक बेहतर चॉइस होंगे? और क्या एस एन श्रीवास्तव, नहीं दीपक, ये सरकार की मजबूरी है, सीट खाली हो रही है कमिश्नर की, अमूल्य पटनायक से जनता उब चुकी है। अमूल्य पटनायक पुलिस कमिश्नर कम मैनेजर सरकार के जाने रहे, एस एन श्रीवास्तव आ रहे हैं, इनको दिल्ली का अनुभव है, पोस्टिंग का अनुभव है, CRPF का अनुभव है, लेकिन दिल्ली के लिए एक बहुत सुलझा हुआ दिल्ली का आदमी चाहिए जो दिल्ली की जनता की नब्ज समझे। दिल्ली की गलियां जानने से नहीं फर्क पड़ेगा। एस एन श्रीवास्तव को अभी तमाम झंझावत से झेलना, से सामना करना पड़ेगा, उन्हें अभी समझना पड़ेगा कि दिल्ली बिगड़ी हुई दिल्ली पुलिस को किस तरीके से पटरी पे लाएं। बताया गया था कि श्रीवास्तव जी जो हैं वो CRPF में हैं और जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने जो है काफ़ी इफेक्टिव पुलिसिंग की है, तो एक्सपीरियंस तो संजीव है उनको, ऐसा नहीं दीपक है, लेकिन इतना आसान दिल्ली को संभालना नहीं है। अमूल्य पटनायक भी अपने को बहुत अच्छा कहते थे, एस एन श्रीवास्तव में वो मैच्योरिटी जो अजय राज शर्मा, नीरज कुमार, निखिल कुमार, वो अफसरान जो थे कमिश्नर बनाए गए, वो बात अभी इतनी मैच्योरिटी नहीं। सवाल और आ रहा है कि जिस वक्त ये दंगे हो रहे थे, जो हिंसा हो रही थी, हिंसा का तांडव हो रहा था, डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में थे और जब दंगे शुरू हुए तो डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद पहुंच चुके थे, ऐसा कहा जाता है। मेरे पास इसका कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन जो पुलिस अधिकारियों से हमने बात की, उन्होंने मुझे बताया कि जो एंटी रॉयट के जो इक्विपमेंट होने चाहिए, जैसे वज्र वाहन है जिस पे पथराव हो तो कोई असर ना हो, पुलिस अंदर तक जा सकती, इस तरह के वाहन नहीं थे ये सब दीपक, क्योंकि ये जो वाहन थे ये ट्रंप साहब की सुरक्षा में लगा दिए दीपक थे। ये सब के सब नई दिल्ली जिले में, जहां ट्रंप का ज्यादा मतलब रुकना था, ठहरना था, आना जाना था, राजघाट सब कुछ नई दिल्ली और मध्य दिल्ली के बीच में था, वहां खड़े हुए थे ये। तो वहां जाफराबाद, मुस्तफाबाद, करावल नगर, भजनपुरा जहां फसाद हुआ वहां पहुंच ही नहीं पाई दीपक। दिल्ली की जो पुलिस है इतना मॉडर्न, इतना हाईटेक, उनके पास वायरलेस सिस्टम है, उनका जो PCR सिस्टम है वो न्यूयॉर्क पुलिस से या लंदन पुलिस से कमतर नहीं है दीपक, सब कुछ है। जब वायरलेस पे मैसेजेस हो रहे हैं और पूरा ऑटोमेशन है मैसेजेस का, उसके बावजूद सारे अधिकारी उनके पास अलग से नंबर हैं, हॉटलाइन से कनेक्टेड हैं, क्यों नहीं रिस्पॉन्ड किया दीपक? जब भारत के हिंदुस्तान की हुकूमत अमेरिकी राष्ट्रपति के पीछे घूम रही हो तो कमिश्नर दिल्ली का और दिल्ली पुलिस कहाँ खड़ी होती है? लेकिन अगर सतीश गोलचा जैसे स्पेशल कमिश्नर, इतने अनुभवी ऑफिसर, अगर वो मौके पर हैं, तो क्या उनके फोन कॉल भी नहीं लिए जा रहे थे? वो मौके पे हैं दीपक, लेकिन उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, वज्रवाहन नहीं है, ठीक है, वाटर कैनन नहीं है जो होने चाहिए, बैरिकेड्स नहीं, पैरामिलिट्री फोर्स वो सारे का सारा ट्रंप की सुरक्षा में लगा हुआ है। सतीश गोलचा या एस एन श्रीवास्तव या डिस्ट्रिक्ट का जो पुलिस अमला है वो अकेले क्या कर लेगा? क्या कहना चाहते हैं कि ताहिर हुसैन या ट्रंप जिम्मेदार हैं इसके? कह सकते दीपक? नहीं, खैर ये तो मुझे लगता है हम ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति आए तो इस तरह का जो एक जिस तरह से हिंसा दिल्ली में हो रही थी उसको कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट किया गया,
और सही रिपोर्ट भांप नहीं पाए, एंटिसिपेशन जो कहते हैं सेंस बिल्कुल, ये बिल्कुल सही वो गलत था। जो असेसमेंट होना चाहिए, जो सिचुएशन का असेसमेंट होना चाहिए कि ये दंगा कितना बढ़ सकता है, वो गड़बड़ा गया था। कितने लोग निकल सकते हैं, फायरिंग है तो कितने स्केल पर, कितने मैग्नीट्यूड पे फायरिंग हो रही है, और लोग अगर छतों पे आ गए हैं तो कौन से हथियार उनके पास हैं, उनसे कैसे निपटा जाना चाहिए। हर एरिए में, हर पॉकेट में, हर पुलिस सर्कल में कितनी पैरामिलिट्री की ज़रूरत होगी बैकअप देने के लिए, ये सारी चीज़ें, या एरियल जो सिक्योरिटी की बात आज कल हम काम करते हैं कि ड्रोन उड़ा देते हैं और ड्रोन के जरिए हम नीचे देखते हैं, ये सारी चीज़ें। और अमन समितियाँ जो हिंदू मुसलमानों के बीच में एक अमन चैन काम करें, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें संजीव क्यों नहीं हुई? दीपक वही बात फिर आप कहते हैं नहीं ट्रंप सब कुछ जिम्मेदार नहीं हो सकते, सारी हुकूमत ट्रंप के पीछे, ट्रंप नहीं उनकी यात्रा के इंतजाम हो सकते हैं कहीं ना कहीं, यात्रा के इंतजाम हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं कॉन्स्पिरेसी में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे तो बहुत अफसोस जाहिर किया। उन्होंने कोई कमेंट ही नहीं किया, उन्होंने कहा इंटरनल मैटर, उन्होंने कहा कि हिंसा पे किया, उन्होंने कहा सीए पे कमेंट नहीं किया, सीए पे नहीं किया। लेकिन दीपक अगर कहीं लापरवाही और कमजोरियां नहीं थी हुकूमत की तो फिर करीब 40 के करीब लोग क्यों मर गए? मेरा लंबी लंबी बहस है और ये बहस रात भर चल सकती है, क्योंकि 28 साल का तजुर्बा है संजीव चौहान को, दिल्ली के चप्पे चप्पे को जानते हैं, 28 साल से क्राइम कवर कर रहे हैं। फिलहाल हमें इशारा हो रहा है, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं हरिकृष्ण, उन्होंने हमसे संकेत कहा है कि इस प्रोग्राम को ऐसे इशारा कर रहे हैं कि ख़त्म करें इसको जितना जल्दी हो सके। तो मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे प्रोड्यूसर हमसे इरिटेट हों, मैं इस प्रोग्राम को यहीं पर विराम दूंगा। लेकिन ये वादा ज़रूर आपसे कर रहा हूं कि जो दिल्ली की जितनी भी घटनाएं हम देख रहे हैं, जो भी घटनाक्रम है, क्योंकि अब सीधे सीधे जो फोकस है वो दो तीन चीज़ों पर है कि आखिर टोल कितना जाता है, कितने लोग अभी भी मिसिंग हैं, प्रॉपर्टी जो डैमेज हुई है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी यानी स्टेट प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी कितनी डैमेज हुई है, हम ये भी आपको असेसमेंट देंगे, सरकार उसमें क्या कर रही है। हम ये भी बताएंगे कि अभी भी घायलों की एग्जैक्ट फिगर कितनी है, और ये भी बताएंगे कि क्या इन इलाकों में दिल्ली के जो सामान्य जनजीवन है वो कब तक, जो रूटीन लाइफ है कब उसकी स्थापित होगी, कब दुकानों के शटर फिर से खुले हैं, कब स्कूल जो है वो शुरू होंगे, इन सब चीज़ों को पर हम नज़र रखेंगे। हम दोनों लोग फिर कल जाएंगे, देखेंगे, समझेंगे, और आपको सही मायनों में बिना एग्जैग्रेट किए, तिल का ताड़ बनाए बिना, जो असली चीज़ है, और एक अनुभवी टीम आप कह सकते हैं, मैं दावा कर सकता हूँ कि हम लोग इतने साल से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर नज़र रख रहे हैं, हम आपको एक सही डिटेल रिपोर्ट देंगे। और फिर जो INS का जो नेटवर्क है 200-250 रिपोर्टर्स का, उस न्यूज़ एजेंसी के उस नेटवर्क को भी हम इस्तेमाल करेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि कहीं भी बैलेंस ना खोए। तो आप ये देखते रहिए, और जो हमारा ये चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, उससे हमारा हौसला बढ़ता है, और तब उस हौसले के बिना पर हम संजीव चौहान से कह सकते हैं कि आइए हमारे साथ अपने अनुभव शेयर करें, अपनी रिपोर्ट शेयर करें। तो अलविदा, नमस्कार।